नमस्कार, मैं सिमरनजीत सिंह बिहारी न्यूज से। आज हम बात करेंगे भारत के उस मुस्लिम एयरफोर्स चीफ की जिसने पाकिस्तान को उसकी असली औकात बताई थी। इद्रिस हसन साहब का जन्म 1923 में हैदराबाद में हुआ था। भारत के इतिहास में वो अब तक के पहले और अंतिम मुस्लिम वायुसेना प्रमुख थे। इद्रिस साहब ने पिछले साल 1 मई 2018 को 94 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। आइए आज आपको अवगत कराते हैं इद्रिस साहब के सैनिक जीवन से। महज 18 साल की उम्र में दिल में अपने वतन हिंदुस्तान के लिए मोहब्बत के साथ इद्रिस हसन साहब 1941 में रॉयल इंडियन फोर्स में शामिल हुए और 40 साल देने के बाद अपने पद से रिटायर हो गए। इद्रिस हसन साहब 1941 में भारतीय सेना में शामिल हुए थे। 1947 के पूर्व जब भारत और पाकिस्तान नाम की कोई चीज़ नहीं थी, उस समय भारत में ब्रिटिश शासन था। लेकिन 1947 में जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया और इद्रिस साहब से पूछा गया कि आप भारतीय फौज का हिस्सा बनेंगे या पाकिस्तान के साथ जाएंगे, उन्होंने गरज कर कहा कि मैं भारतीय था, भारतीय हूँ और भारतीय ही रहूँगा। इद्रिस साहब भारतीय वायुसेना के 10वें प्रमुख बने थे। इद्रिस हसन साहब के दो और दोस्त थे, मलिक नूर और असगर खान। ये दोनों भी भारतीय फौज में थे। बंटवारे के वक्त इन दोनों ने इद्रिस साहब को खूब समझाया कि भारत में मुसलमानों के साथ सौतेला व्यवहार होगा, क्योंकि मुल्क का बंटवारा मजहब के नाम पर हुआ है, यहाँ आपको तरक्की नहीं मिलने वाली। संजोग देखिए कि इद्रिस साहब के ये दोनों दोस्त पाकिस्तानी सेना के प्रमुख बने और इद्रिस साहब भारत में रहकर ही इंडियन एयरफोर्स के चीफ बन गए। इद्रिस साहब 1971 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच जंग हुआ, उस दौरान वो इस देश के असिस्टेंट एयरफोर्स चीफ थे। इस जंग में भारतीय फौज ने पाकिस्तान को बुरी तरह तो हराया ही था, साथ ही साथ उनके 1,00,000 फौजियों को बंधक भी बना लिया था। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भारतीय वायु सेना में आज MiG-23 और MiG-25 जैसे लड़ाकू वायु सेना के जो विमान हैं, उनको इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल कराने वाले शख्स इद्रिस साहब ही थे। धन्यवाद।